अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली रिलेट करती है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स को, और आज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा क्लास टेंथ के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि 2024 के फिज़िक्स के पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट समझे जा रहे हैं या समझे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जो कि रिलेट करती थी फर्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, और आज हम वीडियो बनाने वाले हैं क्लास टेंथ के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर देखते हैं। पहले चैप्टर का जो नाम है स्टूडेंट्स वो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर वन जो है वो बेसिकली है हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो स्टूडेंट्स, वो मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए पेंडुलम के न्यूमेरिकल तो हर साल या हर एक साल छोड़ के रिपीट होते रहते हैं, तो पेंडुलम के न्यूमेरिकल को तो आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। अब पेंडुलम का न्यूमेरिकल कौन सा है, इसमें पेंडुलम वाला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, एक तो हो गया ये पेंडुलम का न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ से निकाला है वो है न्यूमेरिकल नंबर 2। तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो है न्यूमेरिकल नंबर 6। ये तो बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स हो गए जो हमने इम्पॉर्टेंट के तौर पे निकाले हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेंडुलम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, इसी की एक और वर्क एग्जाम्पल है जो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसको बाय हार्ट आप प्रैक्टिस इसकी करके जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर एक और इसकी एग्जाम्पल है वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस चैप्टर में से टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हमने निकाले हैं, एक्सरसाइज के 8, 2 और 6 और वर्क एग्जाम्पल के 3 और 4। अब आ जाएं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली साउंड से रिलेटेड है, और साउंड के अगर हम देखें तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं साउंड के स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें साउंड की वर्क एग्जाम्पल की, तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, और आपका जो पीछे बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उसकी भी क्या है, बुक के न्यूमेरिकल में नीचे लिख रहा हूँ, उसका भी न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक जैसे ही हैं, और इसके अलावा वर्क एग्जाम्पल, बल्कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है, 2 करिएगा, ठीक है, लाजमी। और इसके अलावा अगर हम देखें बुक में तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर पीछे देखें हम तो वर्क एग्जाम्पल नंबर ये है, सॉरी न्यूमेरिकल हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से हमने ये निकाले 5 न्यूमेरिकल्स, ये एज अ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा आप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सेकंड से हमने ये निकाले हैं 2, 3 और एग्जाम्पल के, और जो बुक के हैं वो 1, 2, 3। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसके देखते हैं। अच्छा, इसके तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक ही नेचर के हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स में एक ही फार्मूला ऑलमोस्ट यूज हो रहा है जो कि है सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कोई न्यूमेरिकल नहीं है मुश्किल, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है, और न्यूमेरिकल नंबर 7। इसकी वर्क एग्जाम्पल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वर्क एग्जाम्पल्स हैं उसी तरह के क्या हैं आपके ये बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में, उसमें यूज होती है क्या कहते हैं मिरर इक्वेशन यूज होती है। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले तो आप करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। स्टूडेंट्स ये 4 नहीं है, ये आपके बुक में 4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली वर्क एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले मैं वर्क एग्जाम्पल लिखता हूँ, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है डायमंड के अंदर, और इसके बाद हम देखें वर्क एग्जाम्पल तो इतने ज़्यादा नहीं है, हम बुक के न्यूमेरिकल्स अगर देखें तो इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल वो है हमारा, यहाँ बुक के लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और 5 और 6 है, 5 और 6। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब चैप्टर नंबर 5, दैट इज अगला चैप्टर कौन सा है, अब देखते हैं। चार्जेस से मुताल्लिक है, अगले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कूलम्स लॉ सर फेरिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, लेकिन ये लास्ट ईयर लॉन्ग में आ गया था तो इस साल चांस इसके कम है।
ठीक है। अब इसके देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स, इसके भी बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अगर मैं बुक के न्यूमेरिकल की बात करूं तो उसमें से हम निकालते हैं 2 से 3 न्यूमेरिकल्स, जिसमें है न्यूमेरिकल नंबर 1, ये बुक के न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 और ये न्यूमेरिकल नंबर 6। ठीक है, अगर वर्क एग्जाम्पल की बात की जाए तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 तो बहुत ही ईजी है। इसके अलावा वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 कीजिएगा। ठीक है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 6, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ओम्स लॉ इसका बहुत ही मेन टॉपिक है। अगर हम बुक के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें जो है आप 6 और 7 न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, 6 और 7 की। इसके अलावा जो है वो 3 और 4 न्यूमेरिकल हैं। ये तो होगा बुक के न्यूमेरिकल जो कि चैप्टर के एंड में गिवन होते हैं। अब आ जाए वर्क एग्जाम्पल पे। वर्क एग्जाम्पल जो है इसकी, ये सिर्फ हमने यहाँ से कितनी निकाली है, यहाँ से सिर्फ हमने 2 वर्क एग्जाम्पल निकाली हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 एंड वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 6। 6 का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, 6 का मतलब है ये, जैसे मैंने तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन बुक में आपके 10 11 12 13 14 15 15। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर रिलेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टॉपिक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो कम क्वांटिटी में से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकालना तो और आसान हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 1 और 3 ये बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 1 और 3 और बल्कि 1 3 4 और जो है जो वर्क एग्जाम्पल है वो तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और इसके अलावा जो है आईसीटी इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और लास्ट चैप्टर अगर देखें जिसको कहा जाता है कि सबसे मुश्किल, हार्ड, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के हैं। उसमें से निकालते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अगर बुक की बात की जाए ये देखते हैं हम चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 10 का मतलब बुक का हमारा 20 चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स बुक का तो आप देख लें 2 और 3, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर 2 और 3 हम बुक के निकाले हमने। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल इसकी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम्पल इसकी। आप क्या करिएगा, आप तीनों वर्क एग्जाम्पल की इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 3 हैं और मैंने तीनों यहाँ से निकाली हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि 2023-24 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज की अगर बात करें तो एमसीक्यूज तो सबसे पहले आप बुक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक बाय हार्ट सॉल्व करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, याद करने वाली चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं बाय हार्ट। लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा और प्रिपरेशन अच्छा करने का तरीका ये है कि 4-5 स्कूल्स के पेपर्स या फिर 4-5 कोचिंग्स के पेपर आप ले लें और हर पेपर को आप सॉल्व करें, अपना एक रजिस्टर बना लें, उसको सॉल्व करें, न्यूमेरिकल हो या एमसीक्यूज हो या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं जो है वो इम्पॉर्टेंट पेपर 1-8 हफ्ते में 10th क्लास का फिजिक्स का अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।